कोविड-19 सेंटर में अव्यवस्था का अंबार जिले बढ़ा रहा है। संक्रमण फैलाने का खतरा, कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें, यहां तक कि चरौली के दीनदयाल नगर में डीएम साहब 10 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिए हैं और कोरोना से लड़ने के तमाम कवायद कर रहे हैं। डीएम साहब, अगर इन कामों से छुटकारा मिल गया है तो जरा एक नजर इधर भी घुमा दीजिए। कोरोना के जो मरीज है वे भी किसान हैं, जहां खाने पीने की चीज भी मवसर नहीं है। आपका प्रशासनिक अमला व मेडिकल टीम क्या इन्हें किसान समझ नहीं है? आप इस खबर को देखकर खुद दाज लगा सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवसा की, जहाँ कोरोना के पॉजिटिव मरीज के रखने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था है साहब? तस्करों को देखकर खुद दाज लगा सकते हैं। इंतजाम का आलम ये है कि सेटर साफ सफाई ऐसी की पूछिए मत, जिनके छुए चीजों से लोग संक्रमित हो सकते हैं, वे यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। कैंपस के अंदर तो ठीक था, बाहर तक ये नजारा है। फिर ऐसे में यूपी सरकार की मंशा अगस्त तक कोरोना से जग जीत जाएगी सुनकर शेख चिल्ली के सपने के समान लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोरोना पॉजिटिव मरीज एक 6 साल की बच्ची सेटर से बाहर आकर एक मजहे में बैठे होते हैं और सेटर पर तैयार लोग पूछने तक नहीं जाते। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इनसे संक्रमण नहीं फैलता? अगर फैलेगा तो जिम्मेदार कौन? रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। पर्ची बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? आपको यहाँ क्यों लाया गया है? तो यहाँ आपको क्या सारी सुविधाएं मिल रही हैं? आपको यहाँ क्यों लाया गया है? एम्बुलेंस द्वारा आपको यहाँ पे लाया गया था। यहाँ जो कोविड सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे लाने के बाद आप लोग क्यों बाहर बैठी हैं? कोई व्यवस्था नहीं मिला अभी तक? क्या आपके साथ में कोई बच्ची भी है क्या? उसको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? मेरा नाम है सपना अग्रारी, मैं सिविल डिफेंस की स्टाफ मेंबर हूँ और मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी फैमिली के साथ इस तरीके से हो रही है, ये लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कोई इलाज नहीं दे रहे, तो मुझे यहाँ पे जस्ट आना पड़ा। मैंने कौन सा रिस्क लेके आया? किनको किनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? 5 दिन पहले मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर मनीष कुमार अधिकारी जी, जो LIC स्टाफ हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया गया था। उसके बाद पूरी फैमिली का टेस्ट हुआ। फिर फैमिली में किसका किसका निकला अभी? टेस्ट में मेरी माता श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मेरी भाभी श्रीमती माया अग्रवाल और मेरी भाभी श्रीमती अग्रवाल, ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमारे दो ब्रदर हैं, जो कि छोटे ब्रदर हैं, वो लोग निगेटिव आए हैं और हमारी वो भी निगेटिव आया है। तो उन्हें वो 3 साल की बच्ची घर पे उनको लेकर के वो लोग देख रेख कर रहे हैं। एक बच्ची भी यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जी, जी, जी। वो कितने साल की बच्ची है? वो बच्ची 6 साल की। 6 साल की है। और यहाँ यहाँ कितने बजे लाया गया उन लोगों को? 1 बजे लाया गया सर, 1 बजे लाया गया है। पर अब तक कोई व्यवस्था नहीं, 3 घंटे से ऊपर अब जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उनको जो है कि उनका टेस्ट नहीं, कोई भी जांच नहीं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई। और वो बाहर रोड पे इस तरीके से जो गोमती लगी हुई है, यहाँ वो भटक रहे थे। लास्ट में वो रोते हुए मुझे फ़ोन किए तो मैं यहाँ पर आई कि अच्छा मैं आती हूँ, देखती हूँ, जो होते बनता है मैं करती हूँ। अपना नाम और पर्ची बताएं। यहाँ आपको क्यों लाया गया है माता जी? तो आप लोग क्यों बाहर आके बैठी हैं?
और आपकी कोई समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है। बताइए हम 5 घंटे कैसे खड़े रहेंगे? 5 घंटा खड़ा होना, फ्रैक्चर पैर से टूटना नहीं। आप इधर आ गया जी। अपना नाम और पर्ची बताइए। कि प्लीज इस तरह से ना किया जाए, यही रिक्वेस्ट है। यदि जो पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको ला के रोड पे छोड़ते ही क्यों? अदरवाइज उससे कोई और भी पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ये रिस्क कौन उठाएगा? क्या यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला अभी तक? आखिर व्यवस्था नहीं मिला तो ही तो ये भटक रहे हैं। व्यवस्था मिला होता तो बाहर क्यों भटकते? ये तो हमारा फर्स्ट जो है स्टेप है कि कोई और उससे कोरोना पॉजिटिव ना हो सके, कोई इन्फेक्टेड ना हो सके। लेकिन दूसरा स्टेप ये उठता है, ये महिला एक बच्चे को लेकर के, एक वृद्ध महिला, एक्सीडेंटल महिला को लेकर के यहाँ बाहर भटक रही है। यहाँ ना कोई गाड़ी की सुविधा मिल रही है, ना कुछ मिल रही है। अगर वो घर भी जाती है तो कैसे? अगर नहीं पहुँच पाती है, अगर उसके साथ कोई हादसा कुछ इस तरीके का मैटर होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या यहाँ के DMSP कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? क्या यहाँ रहने की व्यवस्था है? न यहाँ हमको खाने की व्यवस्था है। यहाँ अभी फिर रोज एक व्यक्ति है और बोल रहे हैं कि एक टिकिया टेबलेट यहाँ मिल नहीं रहा। तो फिर किस लिए लाया जा रहा है? तो हमारा समझ में नहीं आ रहा, हम चले जाएंगे। किस लिए लाया जा रहा है? अरे हम यहाँ तमाशा बना देंगे, ये जो तमाशा व्यवस्था बनी है। अच्छा ये बताइए, ये सीजनल बुखार खांसी, ये 7 साल की उम्र है, कितने बार आया? कहा नहीं था, हम पर्सनल अपना जाँच कर रहे हैं। अब पूरे परिवार का जाँच किया, अब उसमें हमारा कैसे निकल गया हमको तो पता नहीं है। अच्छा सबसे बड़ी चीज, न सर्दी न खांसी। आप खुद यहाँ स्वयं आए हैं कि एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है? कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से? मिलने की वजह अरे सबसे बड़ी चीज है, न मुझे खांसी न बुखार न जुखाम। यहाँ जितने भी लोग हैं, चलिए मेरे इतना थोड़ा चलाइए, अभी दंड बैठक मार के मारिए। मैं किसान व्यक्ति हूँ जी, जी किसान। अब मुझे क्या कर यहाँ परेशान किया जा रहा है? हाँ मेरे पास कुछ नहीं, कौन सी इनके अंतर कौन सा मतिन बता दिया। अच्छा फिर ठीक है, ले आया आप अपनी सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा हम तैयार है। बस हटे मुझे रहने की व्यवस्था दीजिए। बिल्कुल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हम आपको देख लिए जान के लिए। अरे तक नहीं है वहाँ के लोग बता रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। अभी थोड़ा शाम होगा तो देखिए हम तमाशा बनाते हैं, हम सबको बुला करके नीचे हम लोग मुस्लिम है, हमें हम मुस्लिम बन के आ रहे हैं। आप लोगों को कितना घंटा होगा? कोई टेस्ट भी नहीं। यहाँ आप क्यों आए? यहाँ क्यों आए हैं? कोरोना चेक करवाने आए हैं कि कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से? तो यहाँ आपको कब लाया गया है? हाँ तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं कुछ मिल रही हैं? कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। जी यहाँ पे लोगों का यही कहना है सर कि हम समाज सेवा से बिल्कुल पीछे नहीं है, नहीं पीछे नहीं है। लेकिन आप उचित हमें व्यवस्था भी नहीं सर, उचित उपचार दीजिए, उचित उपचार दीजिए और उचित उपचार दीजिए। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतीय के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के समाज कल्याण के लिए ही बने हैं और हम समाज कल्याण से पीछे नहीं हट रहे। और इनको एक प्रॉपर एक मैट लगा के व्यवस्था तो दे दो, हम बहुत बड़ा बेड नहीं मांग रहे, एक चारपाई चाहिए, एक घड़ी दीजिए। हमारे भारत में लोग सिर्फ एक मैट बिछा के अपना ट्रीटमेंट मांग रहे हैं, यदि आप देते हो तो दो, वरना उन्हें घर से ले आके इस तरह क्या जो है कि रोड पे मत दर दर भटका मत घुमाओ जंगल में। हमारी माँ हमारी भतीजी, आप रुक जाइए, आप डिस्टर्ब ना करें। चुप रहिए सर, जो बात है वो हमें कह लेने दीजिए। यहाँ की वजह से मेरी माँ मेरी भतीजी मेरी भाभी रोड पे भटक रही है, एम्बुलेंस लाया और छोड़ दिया, ना कोई व्यवस्था ना कोई कुछ भी नहीं दिया गया, उपचार तक नहीं, घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। आपको कब लाया गया है? अगर सर मेरी माँ को मेरी भाभी को मुझसे भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा।